हाय, मैं इस पार्ट में पार्ट पॉलीथीन के सेकंड पार्ट में मैं पॉलीथीन के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। टाइप्स ऑफ पॉलीएथिलीन के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता LDPE, सेकंड होता है HDPE। LDPE का इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और HDPE की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इस प्रकार से पॉलीएथिलीन के टू टाइप्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलीथीन के बारे में बेसिक नॉलेज बताई थी, किस प्रकार से वो मैन्युफैक्चर होती है, और इस वीडियो में हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक होता है LDPE, एक होता है HDPE। तो सबसे पहले हम लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात कर लेते हैं। LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसमें क्या होता है, जो आपकी लो डेंसिटी होती है, तो इसकी जो डेंसिटी रेंज होती है, इस लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की जो डेंसिटी रेंज होती है, ए पॉइंट देखते हैं, जो डेंसिटी रेंज होती है वो आपकी होती है इसकी 0.91 से लेकर के 0.94 तक होती है। कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एक पॉइंट हमने हमारा ये बनता है द डेंसिटी रेंज ऑफ अ LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो वो 0.91 से लेकर 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। सेकंड बी देखेंगे, इट इज़ अ प्रिपेयर्ड वाई दी फ्री रेडिकल। मैंने एडिशन में बताया था, एडिशन होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, फ्री रेडिकल, पॉलीमराइजेशन और कैटायनिक और एनायनिक। तो हमारा फर्स्ट टाइप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एडिशन का पार्ट होता है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से ये बनती है LDPE पॉलीमराइजेशन ऑफ एथेन। एथेन के फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से LDPE बनती है, ठीक है। सी पॉइंट देखते हैं, इट इज अ पुअर, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है LDPE। और दूसरी चीज़ ये क्या होता है, केमिकली इनएक्टिव होता है, ये किसी भी चीज़ के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो बेसिकली ये केमिकली इनएक्टिव होता है। इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग। जो आपके जो प्लास्टिक बैग बनते हैं वो LDPE के बनते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बनते हैं, राइट। अब हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बात करें। हाँ, तो हाई डेंसिटी HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसकी जो डेंसिटी रेंज होती है, इसकी जो डेंसिटी रेंज होती है 0.93 से लेकर के 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। इसको क्या करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, और फिर उसके बाद ये अचीव हो जाती है, किसका, एथेन का। इट इज़
prepared by the addition polymerization of ethane. It is a prepared by addition polymerization of ethane. Ethane का addition polymerization होता है तो ये वाली reaction, ये HDPE हमें बनती है, ठीक है. तीसरा point इसका बनता है, it is chemically inactive या फिर chemically inert. ये किसी भी चीज़ के साथ में reaction नहीं करती है, right? It is used for making HDPE की क्या बनती हैं, इसकी बनती हैं बोटल्स, जग बनते हैं एंड कंटेनर बनते हैं. जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वो HDPE के बनते हैं, राइट. इस प्रकार आपको पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स मैंने बताए थे, LDPE और HDPE. दोनों की बेसिक नॉलेज भी दे दी कि किस प्रकार से किसकी कितनी डेंसिटी होना चाहिए, कौन किस प्रकार से बनती है. इस प्रकार से आपको दोनों के टाइप्स के बारे में अच्छे प्रिपेयर हो गया होगा. अब मैं पॉलीएथिलीन के प्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट. और थैंक.